हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग तीन स्टॉक का डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो कल के सेशन के लिए इम्पोर्टेंट स्टॉक होंगे, इंट्राडे के लिए इम्पोर्टेंट स्टॉक्स होंगे। तो उन सब स्टॉक्स के लेवल्स को डिस्कस करेंगे, किस लेवल्स के ऊपर बुलिश होगा, किस लेवल्स के नीचे या बेरिश होगा, कब तक ये रेंज में रहेगा, कब तक रेंज ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट रेंज करेगा तो उसके बाद की रेंज क्या होगी, ये सब डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस वीडियो के जरिए जो भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कशन करते हैं, वह इसके जरिए हमारा एक मकसद है कि हम लोग उन सब स्टॉक्स को फाइंड आउट करें जिनमें ब्रेकआउट आ सकता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ब्रेकआउट स्टॉक दिया जाए और आपको उस पर ट्रेडिंग का मौका ही नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों का जो सिंपल सा मकसद है कि ऐसे स्टॉक्स आपको दिए जाएं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो इसी मकसद के साथ ही चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे सामने है हमारा पहला स्टॉक, यह स्टॉक है आपका भारती एयरटेल। देख रहे होंगे ये ऑप्शन चेन। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक्स हम लोग इस वीडियो में सिलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन चेन और जो भी लेवल्स निकल के आते हैं वो विक्स के लेवल्स हैं। तो विक्स मेथड से हम लोग लेवल्स निकालते हैं और सिलेक्शन हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से करते हैं स्टॉक्स को। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन चेन आ गया है। आप देखेंगे कि 5 540 और 550 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, और यहाँ से हुआ क्या है कि काफ़ी ऊपर अगर फ्यूचर प्राइस आप देखेंगे भारतीय एयरटेल का, तो 567 के ऊपर क्लोज दिया है। तो इन लेवल्स के ऊपर, काफ़ी ऊपर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल ने क्लोज दिया है। तो एक तरह से इस शेयर के ऊपर आप देखेंगे कि कॉल राइटर्स एक तरह से ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं और अभी भी उनका पोजीशन वहाँ पे है। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा सकता है कि इसके ऊपर अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी और कुछ और मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, तो वह लेवल देखते हैं कि किस लेवल के बाद ये शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है। तो वह लेवल है आपका 771.5 के ऊपर निकलता है तो एक बार फिर से हमें इसके ऊपर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उसके बाद इधर शॉर्ट कवरिंग आएगी, कॉल राइटर्स के ऊपर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और उसके बाद यह स्टॉक ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो इस लेवल को ध्यान देखिए, 771.5 के ऊपर भारतीय एयरटेल बुलिश हो सकता है, और बेरिश किस लेवल के ऊपर होगा तो वो भी हम लोग चेक करते हैं कि बेरिश किस लेवल के ऊपर होगा। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कॉल राइटर्स वापस से स्ट्रांग हो जाएं और ये जो रैली है उसमें एक थोड़ा सा पॉज भी आ जाए। तो वह लेवल क्या है जिसके नीचे अगर फिसला तो एक पॉज हमें देखने को मिल सकता है, तो वह लेवल है आपका 564 का। इसके नीचे अगर फिसला एयरटेल, भारतीय एयरटेल इसके नीचे फिसला तो एक तरह से जो रैली आज हमें देखने को मिली है उसमें एक पॉज आ सकता है और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, इन डेप्थ के समय अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल है जिसको हमें ध्यान रखना है। देखिए, 571.5 के ऊपर गया तो बुलिश, 564 के नीचे गया तो बेरिश, और इस दोनों रेंज के बीच में रहा, इन दोनों लेवल्स के बीच में रहा तो यह रेंज में ही रहेगा, और जब ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाएगा तो उसके बाद भी एक रेंज होगा, वह रेंज होगा 553 से 584 का। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाएगा तब ये रेंज हो जाएगा 553 से 584 तक का, ये रेंज भारतीय एयरटेल का होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका ट्रेन साइकिल क्या है। तो भारतीय एयरटेल का ट्रेन साइकिल को देखेंगे तो काफ़ी दिनों से लॉन्ग शॉर्ट कवर, उसके बाद अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी, आज हमें लॉन्ग होते हुए देखने को मिला है। तो ये सजेस्ट कर रहा है, जो ये ट्रेन साइकिल है आपको दिख रहा है, ये ट्रेन साइकिल सजेस्ट कर रहा है कि नीचे के भाव पे एयरटेल में बाइंग आई है, लोगों ने नीचे उठाया है ये एयरटेल को, तो इस पे बाइंग आई है। और यह ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है
तो हमें 571.5 के ऊपर निकलता है तो और एक अच्छा रनअप हमें देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल के ऊपर। तो आप ये ध्यान रखें कि नीचे खरीदारी हो रही है जो भी दीप आ रहा है भारतीय एयरटेल के ऊपर। तो ये हमारा स्टॉक है और इसके सारे लेवल्स हमने शेयर कर लिया जिसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर जो हमारे सामने है डिवीस लैब। डिवीस लैब का ऑप्शन चेन के ऊपर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इधर कॉल राइटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं एक तरह से आप देखेंगे, और इधर हमें कुछ पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये रहा आपका डिवीस लैब। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये देखिए इस किसके ऊपर किस लेवल्स के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा, तो 4920 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। क्लोजिंग देखेंगे तो 4880 के आसपास क्लोजिंग है और इसके 4920 के ऊपर निकलता है तो ये बुलिश हो जाएगा। डिवीस लैब आपका 4920 के ऊपर निकलता है तो बुलिश हो जाएगा। ये भी चेक कर लेते हैं कि किस लेवल के नीचे, देखिए इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो इन सब लेवल्स के ऊपर ये जो कॉल राइटर्स हैं इनके ऊपर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी जो इसको ऊपर की तरफ ले जा सकता है। और देखें कि बेरिस किस लेवल के नीचे होगा, तो डिवीस लैब बेरिस आपका 4855 के नीचे अगर फिसलेगा तो बेरिस हमें थोड़ा सा मूव देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल के बीच में ही रहा 4920 और 4855 के बीच रहा तो ये रेंज बाउंड रहेगा और ब्रेकआउट का लेवल जो होगा 4920 होगा, ब्रेकडाउन का जो लेवल होगा 4855 होगा। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का पहले का ये रेंज होगा और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ गया तो उस समय इसका रेंज जो होगा डिवीस लैब का नया रेंज होगा 4789 का, ये आपका नया रेंज होगा डिवीस लैब का। तो इन सब लेवल्स को आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए, कल के लिए काम आएगा। और इसके ट्रेन साइकिल की अगर बात करेंगे तो ट्रेन साइकिल में देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिख रहा है। ये सिंपल बता रहा है कि इस पर भी हमें नीचे के लेवल्स पे बाइंग देखने को मिली है, जो भी डिप आया है डिवीस लैब के ऊपर उसे खरीदारी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, ये ट्रेन साइकिल बता रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि ओवरऑल ये पॉजिटिव ही दिख रहा है ट्रेन साइकिल के ऊपर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बुलिश होगा अगर 4920 के ऊपर निकलता है तो आप उसको एक बार इन सब लेवल्स को देख सकते हैं और इन सब ट्रेन साइकिल को भी नोट ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टॉक के सामने पे, और तीसरा स्टॉक है देखिए तीसरे स्टॉक पे बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक के ऊपर जो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसको हम लोगों ने कल भी कवर किया था लेकिन इस पर मूव नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है कि आज इस पर कल मूव आए। तो इसके लेवल एक बार फिर आप नोट डाउन करिएगा, अगेन देखिए 1100 का स्ट्राइक है जहाँ कॉल राइटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेन स्ट्राइक है, अगर इसके ऊपर निकलेगा कल 1013 के ऊपर निकलेगा, 1013 के ऊपर निकलेगा तो हमें काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, बुलिश हो जाएगा इसके ऊपर। इसके ऊपर रहा तो अगर बेरिश की बात करें तो किस लेवल के नीचे होगा, अगर 988 के नीचे फिसला तो इसके यह आपका बेरिश हो जाएगा, और इसके बीचों बीच रहा तो रेंज में ही रहेगा, जैसे आज इसको बीचों बीच लगभग था तो रेंज में ही देखने को मिला, कहीं मूव नहीं आया। तो और इस रेंज को जब ब्रेक करता है तो हम देखेंगे कि कौन सा लेवल किस रेंज की तरफ जाएगा, तो वह रेंज होगा जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद होगा 965 और 1040 तक का लेवल हमें ये रेंज हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो 965 1040 ये हमारे लिए नया लेवल हो जाएगा अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इसके ऊपर अगर आया तो। और इसके ट्रेन साइकिल की बात करें तो इसके ट्रेन साइकिल में कल तक हम लोग देख रहे थे कि इसके ऊपर मजबूती वाला ट्रेन साइकिल है, लेकिन आज हमें शॉर्ट देखने को
मिला है। हो सकता है कि मार्केट में आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसकी वजह से इस पर शॉर्ट देखने को मिला है। फिर भी अगर इसको बेरिश होना है तो 988 के नीचे निकलना पड़ेगा, फिसलना पड़ेगा। अगर इसको बुलिश होना है तो 1013 के ऊपर जाना पड़ेगा तो ये बुलिश होगा। तो ये ओवरऑल हमारे तीन स्टॉक्स हैं इंट्राडे के लिए, और आप इसको पोजिशनल भी अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर